ग्वालियर में नवनियुक्त शिक्षक सम्मेलन में 12 अप्रैल 2023 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात देते हुए कहा था कि 100% वेतनमान और परीक्षा अवधि 3 वर्ष से घटाकर कम करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह नियम लागू नहीं हुआ, जिसको लेकर सभी शिक्षक इंतजार में हैं। वहीं 2018 के शिक्षक भर्ती राज्य पत्र में इसका उल्लेख है। इस दौरान कुछ महीनों के लिए आई कांग्रेस सरकार ने इस नियम को बदलकर 70% प्रथम रूप में, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय चरण में 90% वेतन देने के नियम को लागू किया था, जिससे नवनीत शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मामले में जब नवनियुक्त शिक्षकों से पूर्ण जानकारी ली, उन्होंने बताया कि सरकार ने उन सब घोषणाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मामले में ऊर्जा मंत्री से चर्चा की तो उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, मुझे संज्ञान में नहीं है, ये कहकर टाल दिया। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि शिक्षकों को 70-80-90% के हिसाब से, मतलब इस तरह से तरसा के नहीं देंगे, ये तो उनके साथ अन्याय है। और उन्होंने घोषणा की थी, जिससे हमें पूरी उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान अपने वादे को पूरा करेंगे, लेकिन पूर्ण न होने से हम लोगों में उदासी छाई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे साथ अप्रैल में ये घोषणा की गई थी, 12 अप्रैल को घोषणा की गई थी कि हम लोगों को 100% वेतन दिया जाएगा। और उन्होंने जब ये इस भर्ती को निकाला था तब भी ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसमें कहा गया हो कि आपको 70-80-90% मिलेगा, ये बाद में शर्त लगाई गई थी। मैं भी एक नवनियुक्त शिक्षिका हूँ, 2021 से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जैसा कि सर ने पूरी जानकारी दी उसी के तहत मैं भी उसी में आती हूँ। तो हमारी भी यही उम्मीद है कि हमें 100% वेतन मिलना चाहिए, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले जब गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय कमलनाथ जी ने हम लोगों की ज्वाइनिंग में एक टाका लगा दिया था कि हम लोगों को पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल 70-80-90% के हिसाब से वेतन का प्रावधान करके गए। फिर हमारी जो उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो टिकी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 अप्रैल को इसी साल घोषणा भी कर दी थी कि आपका 100% वेतन कर दिया जाएगा। कौन मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या उन्होंने घोषणा की? उन्होंने घोषणा करी थी कि आप लोगों का, नवनियुक्त कर्मचारियों को, नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन पहली साल 70% रहेगा, दूसरी साल से आपको 100% मिलना चालू हो जाएगा। आज सीएम राय स्कूल शासकीय कन्या की लागत से उसके सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया है। तो एक सवाल होता है कि मुख्यमंत्री जी ने 12 अप्रैल को घोषणा की थी 70%, 80%, 90% जो नवनियुक्त हुए हैं उनको 100% कर दिया जाएगा, वो अभी तक लागू नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण? ये नवनियुक्त कर्मचारी जो है ना, ये इसका क्या कर दिया जाएगा इनको? 100% की तनखा कर दी जाएगी। ये बात मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।